हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हर्ष गौतम टेक। मेरा नाम है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। ये होने वाली है कोरोना वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के ऊपर। बहुत लोगों का ये था कि कोरोना वैक्सीन रजिस्ट्रेशन, जैसे जिसको ऑनलाइन करने आता है या फिर नहीं भी आता है, उसको बहुत ज्यादा क्वेरी हुई थी, उसको स्लॉट नहीं मिले थे या फिर कोई प्रॉब्लम हुई थी। तो मेरी वीडियो मतलब लास्ट तक देखे वो बंदा, और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये जो कोविड का अपडेट आया है ये मैं देना चाहता हूँ सबको। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस चलिए अपनी वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली मैं आपको बताता हूँ उस वेबसाइट के बारे में जिससे हम लॉग इन कर सकते हैं कोविड वैक्सीन के लिए। तो वो वेबसाइट का नाम है सेल्फ रजिस्ट्रेशन डॉट कोविन डॉट जीओवी डॉट इन, कोविन COVIN, याद रखना दोस्तों। और ये आप क्रोम पे खोलोगे तो आपको ऐसा सरफेस देखने को मिलेगा। और फर्स्टली आपको फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करना है, तो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इस पर आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आप इस पर चेक भी कर सकते हो कि नियरेस्ट वैक्सीन सेंटर आपके एरिया में कहाँ पड़ रहा है। तो आप अपने एरिया का पिन कोड डालिए नॉर्मली, जैसे मैंने अपने एरिया का पिन कोड डाल दिया। और इसमें पूछा कितने साल वालों के लिए, 18 साल से ऊपर वालों के लिए और 45 साल से ऊपर वालों के लिए। मैं देखता हूँ तो 11 तारीख को दो स्लॉट खाली है इसके अंदर, और इसमें 27 स्लॉट खाली है, और 13 तारीख वाले में 18 स्लॉट खाली है। तो ये एज 45 वालों के लिए, और जो 18 साल वालों के लिए वो इसमें अभी दिखा नहीं रहा, शायद मैं अभी आपको दिखाता हूँ। 18 साल वालों के लिए पूरे सारे बुक्ड है। तो हम रजिस्टर कैसे करते हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप सबसे ऊपर आ जाना, उसके बाद थ्री डॉट पर क्लिक करना है हमें नॉर्मली, और ये इसमें लिखा है रजिस्टर साइन इन योर सेल्फ। तो इस पर जाके आपको नॉर्मली अपना जो आपका नंबर है वो आपको यहाँ पर टाइप करना है, और गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। गेट ओटीपी पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पर ओटीपी मिलेगा थोड़ी देर में। ओटीपी है 6689 6689 6689 69। तो वैसे मेरे को ओटीपी मिल चुका है। तो इसके अंदर आपको वेलकम बोला जाएगा, और ये बोला जाएगा कि यू कैन रजिस्टर 4 मेंबर्स विद 1 नंबर, मतलब एक नंबर से आप 4 अपने घर के मेंबरों को आप रजिस्टर कर सकते हो। तो आपने जैसे प्रोसीड पे क्लिक किया, वैसे आपको देखने को क्या मिलता है, फोटो आईडी प्रूफ। तो फोटो आईडी प्रूफ बहुत सारे होते हैं, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन पासबुक, वोटर आईडी, एनपीआर, स्मार्ट कार्ड, इसमें से कुछ भी। जैसे मैंने इस पे सिलेक्ट किया आधार कार्ड, तो इसमें आधार कार्ड का नंबर आपको मतलब लिखना है। उसके बाद आपको नीचे आधार कार्ड में जो नेम लिखा है आपका वो टाइप करना है, उसके बाद जेंडर, उसके बाद आपको नीचे थोड़ा स्क्रोल डाउन कर लेता हूँ, उस नीचे आपको ये लिखना है कि आप कौन से साल में पैदा होते हैं। तो मैंने इसके अंदर ये कर दिया। तो इसके अंदर आप जैसे ही रजिस्टर क्लिक करोगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी, तो वो मैं आपको फोटो में दिखाता हूँ क्योंकि मैं अभी रजिस्टर नहीं कर सकता क्योंकि मैं 18 साल का नहीं हूँ। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक बार रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ स्क्रीन की वापस से। तो जैसे आपकी स्क्रीन पे फोटो आ गई होगी अब, तो इसके अंदर दिखा रहा होगा अकाउंट आईडी। तो अकाउंट आईडी का मतलब क्या है, जो आपका नंबर है उसके अंदर आपके जो एक मेंबर जो मतलब वैक्सीन के लिए जो लॉगिन कर वो वैक्सीन के लिए जो मतलब रजिस्टर कर रहा था उसका एक मेंबर ऐड हो चुका है। तो आपको दूसरा मेंबर भी ऐड करने का इसमें ऑप्शन मिलता है। तो आप आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर नीचे लिखाता है ऐड मेंबर लिखाता है। तो ऐड मेंबर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, इस पे भी सेम वैसे ही प्रोसेस है, रजिस्टर फॉर वैक्सीन, फोटो आईडी प्रूफ इसके अंदर डालना है, आधार कार्ड जैसे हमने सेलेक्ट किया तो आधार कार्ड का नंबर, आधार कार्ड का नेम जो आपका लिखा हुआ है, और जेंडर सेलेक्ट करना है और ईयर सेलेक्ट करना है बर्थ का। उसके आगे चलते हैं, तो इसके अंदर देखिए आप दोनों मेंबर सेलेक्ट हो चुके हैं इसके अंदर। तो दोनों मेंबर सेलेक्ट होने के बाद आपको करना क्या है, आपको नीचे के साइड आपको ये शेड्यूल लिखा रहा होगा, तो यहाँ पर आप शेड्यूल पे क्लिक करोगे तो नीचे लिखा आएगा शेड्यूल नाउ, एक ब्लू रंग की लाइन आ गई होगी शेड्यूल नाउ की। शेड्यूल नाउ पे क्लिक करते सेम मेथड वही है, जैसे हमने नियरेस्ट वैक्सीन सेंटर देखा था वैसे आपको बुक अपॉइंटमेंट फॉर वैक्सीन। तो आप यहाँ पर अपना एरिया का पिन या फिर आप डिस्ट्रिक्ट भी डाल सकते हो। तो आपको ये डालने के साथ ही आपको यहाँ पर अपने एरिया के अंदर जितने भी वैक्सीन सेंटर होंगे जिसपे भी वैक्सीन लग रही होगी तो वहां के आपको स्लॉट दिख जाएंगे। जैसे इसमें दिखा रहा है 28 अप्रैल 2021 में 101 यहाँ पर मतलब अभी स्लॉट खाली हैं, और 30 अप्रैल 2021 में और यहाँ पर आपको मिलेगा 30 डेट में आपको 57 वो स्लॉट खाली है। तो आप जोन से भी स्लॉट पे क्लिक करोगे, जैसे जिसपे NA लिखा रहा है मतलब उसके अंदर स्लॉट आप नहीं ले सकते हो,
वो सब दूसरों मतलब वो बुकड हो चुके हैं या फिर वो अभी शेड्यूल अभी अपडेट ही नहीं किया गया है। जैसे आप ये 30 डेट का देख रहे हो 57, तो आप 57 को जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि 57 डेट को या 28 डेट को या 27 डेट को जैसे आपने क्लिक किया 28 डेट को, तो आपको अपना शेड्यूल टाइम सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो 9 बजे से 11 बजे तक का, 11 बजे से 1 बजे तक का, और 1 बजे से 3 बजे तक का, 3 बजे से 6 बजे तक का। इसमें से जैसे इन्होंने 11 से 1 बजे तक का शेड्यूल वो किया और इसके बाद कंफर्म कर दिया। कंफर्म करने के बाद आपको पूरा आपका मतलब स्लिप मिल जाएगी, अप्रूवल, अपॉइंटमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा आपका। उसके बाद आपको यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डाउनलोड लिखा हुआ है, तो डाउनलोड करने के बाद आपकी जो ये अपॉइंटमेंट की स्लिप है ये आप प्रिंट करवा के आप वहां पर ले जा सकते हो, या फिर आपको ये रेफरेंस नंबर दिख रहा होगा या आप याद भी कर सकते हो कि वहां पर जाके आप बता दो कि मेरा ये रेफरेंस नंबर है, तो वहां पर वो सर्च कर सकते हैं लैपटॉप या कंप्यूटर पर जो भी इनके पास प्रोग्राम होगा। तो गाइज ये बस इतना ही है, और आप अपने वैक्सीन सेंटर पर जाके आप अपना पहला डोज लगवा सकते हो, तो आपको एक स्लिप मिल जाएगी पहला डोज आपने लगवा लिया। उसका दूसरे डोज के लिए भी सेम टू सेम ऐसे ही करना है, सेम आप ये डिटेल डालोगे ना अपने आधार कार्ड की, तो उसमें अपने आप ही ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि आपने पहला डोज इस तारीख को लगवाया था और दूसरा डोज अब इस तारीख को आपको लगवाना चाहिए। तो आप उस हिसाब से अपना मतलब डॉक्टर से कंसल्ट करके आप लगवा सकते हो वैक्सीन। तो गाइज आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, और ऐसे मैं नए नए अपडेट और नए नए टेक लाता रहूंगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो लाइक कर देना, और कोई भी क्वेरी तो कमेंट करके जरूर पूछना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।